Hello my lovely friends, welcome back to another video in my channel, your friendly rider. Today is 28th of November 2021. So today me along with one of my friend is planning to go to Jogmaya, that is in the district of Purulia of West Bengal. And this place is approximately 54 kilometers from my place, and we are planning to cover this distance in a span of 1 hour 30 minutes, depending on the road conditions. So right now I'm in my car, but the trip would be made in my bike, that is my RC390, my Fury. So without any further ado, let's get on riding, and I'll be meeting you in my bike. Thank you and welcome again. आज मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा रूट मैं फॉलो करने वाला हूँ. सो दिस रूट इज बेसिकली द पुरुलिया इंटर स्टेट हाईवे. दिस कनेक्ट्स आसनसोल टू पुरुलिया वाया रघुनाथपुर. सो आई एम गोइंग टू जोगमाया. तो दिस प्लेस इज इन काशीपुर. एंड काशीपुर कहाँ पर है? सो फर्स्टली वी हैव टू गो टू रघुनाथपुर. रघुनाथपुर से वी हैव टू टेक लेफ्ट टुवर्ड्स आगरा. क्रॉसिंग आगरा वी विल बी गोइंग टू काशीपुर, और काशीपुर से थोड़ा सा और आगे जाने के बाद वी विल बी हैविंग जोगमाया. आज वेदर अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी है. सो आई थॉट ऑफ लाइक मेकिंग अ ट्रिप टू जोगमाया. एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको बताया था दैट आई विल बी जॉइंड विद अनदर ऑफ माई फ्रेंड. But unfortunately, at the last moment, I received a call from him, and he is not joining me today. पर अपन तो मुसाफिर है सर, अपना क्या है, जब मन हुआ बाइक उठाए हम निकल जाते हैं. We don't wait for anyone. We are just wanderers. आप बाइक दे दो हम घूमते रहेंगे. That's the motto of a biker. Unfortunately, उसका मम्मी का तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया है. I wish for a speedy recovery. रघुनाथपुर, यह रघुनाथपुर है. एंड मेरे बचपन के बहुत सारे अच्छे यादें इस जगह से जुड़े हुए हैं, बिकॉज बचपन में आई यूज टू कम ओवर हियर. आई हैव गॉट माय आंट्स हाउस ओवर हियर, शी स्टेज है. तो मैं बचपन में यहाँ आया करता था बहुत ज्यादा. हमारा भाई है, उसके साथ बहुत ज्यादा यह सब जगह घूमा करता था. तो वी गॉट वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस रघुनाथपुर. इज द मेन सिग्नल ओवर हियर. Just crossing this, I'll be having Raghunathpur Phadi, that is the police station. So this can act as a landmark for you. Raghunathpur se ye road, ye police station hai, Raghunathpur police station. This road leads to Purulia. Ye rasta Purulia ko jata hai. So guys, this is Raghunathpur bus stand. I've reached bus stand. Ye bus stand hai. Yahan se aapko हर तरफ का बस मिलेगा. इफ यू वांट टू गो टू आसनसोल, इफ यू वांट टू गो टू पुरुलिया, इफ यू वांट टू गो टू आगरा. सो यहां से आई विल टेक अ लेफ्ट एंड दिस इज द कट. दिस इज द कट दैट यू हैव टू फॉलो. सो गाइस, यू कैन सी टू माय राइट, ये जो पहाड़ है, दिस इज जयचंडी. एनी प्लेसेस टू विजिट इन पुरुलिया? अगर आपको टाइम हो तो बहुत सारे जगह है जहां पर आप घूम सकते हो. एंड ये जो आपका साइन बोर्ड है, यहां से इफ यू टेक राइट यू कैन गो टू जयचंडी पहाड़. सी इट्स रिटन एज 2 किलोमीटर. दिस राइट गोज टू जयचंडी पहाड़. आज मेरा वहां जाने का कोई प्लान नहीं है, बाद में कभी होगा तो आई विल बी शोइंग यू दैट. और ये जो है ये
जयचंडी स्टेशन है, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेशन, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया हुआ स्टेशन है जयचंडी स्टेशन। फ्रेंड्स दिस इज आगरा, मैं आगरा एंटर करने वाला हूँ, आई बी हेडिंग स्ट्रेट और ये स्ट्रेट रोड जाता है आगरा स्टेशन को, स्टेशन की तरफ। सो दिस इज द प्लेस, अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हो दिस रूट गोज टू आगरा स्टेशन, आपको इसको सीधा क्रॉस करना है एंड जस्ट फॉलो द पाथ, आपको यही वाला रास्ते को फॉलो करते हुए आगे जाना है। सो देयर विल बी अनदर रेलवे क्रॉसिंग, उसको क्रॉस करके यू हैव टू टेक अ शार्प लेफ्ट। यहाँ से दो तरफ रोड जाता है, एक राइट जाता है एक लेफ्ट जाता है, सो यू हैव टू टेक लेफ्ट यहाँ से, ये जगह से यू हैव टू टेक अ राइट। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, दैट इज रिकमेंडेड, कहीं भी हो कोई भी अगर नहीं फॉलो करता है यू ट्राई टू फॉलो इट, आप कभी भी ट्रैफिक रूल्स को मत तोड़िए। ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, दैट्स फॉर योर ओन सेफ्टी, एज वी से इज द बाइकर्स क्राउन, डोंट लेट ऑफ योर क्राउन एट एनी पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, इट ऑलवेज सेव्स यू। So I have entered Kashipur, this is Kashipur. यहाँ से if you take right, आपका famous Kashipur Rajbari, that is the Kashipur Palace, you will be reaching over there. और यहाँ से left, if you take a left, you will be going to Jogmaya. So I am planning to take a left. Your left, मैंने ले लिया है. और Kashipur Rajbari is again a good place, but it is only open for the public during the 3 days of Durga Puja, that is Ashtami, Navami and Dashami. बस यही तीन दिन खुला रहता है। सो अगर आप कभी प्लान करते हो राजबाड़ी आने का, अगर आप पूजा का टाइम नहीं आते हो पर दूसरा टाइम आते हो, इट्स अ वेस्ट, आपको अंदर जाने को भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, आप कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। पर अगर आप पूजा में भी आते हो, यू कैन ओनली एंटर द प्रीमाइसेस ऑफ द राजबाड़ी बट नॉट द एक्चुअल राजबाड़ी और नॉट द एक्चुअल पैलेस, अंदर आप नहीं जा सकते, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। और इफ यू आर कमिंग टू जोगमाया, ये राइट में ये बिल्डिंग आप हमेशा याद रखना, ये जो बड़ा सा एक, आई गेस दिस इज अ हाई स्कूल, लेट मी रीड इट फॉर यू, राज हाई स्कूल, यस दिस इज हाई स्कूल। इस हाई स्कूल को क्रॉस करके ही यू हैव टू टेक राइट, यहां से देर इज अ राइट, ये जो आपको गली दिख रहा है आपको कहीं पर साइन बोर्ड नहीं मिलेगा, यहां पे ट्रस्ट मी नो साइन बोर्ड, सो टू बी केयरफुल, ये राइट आपको लेना है, दिस इज द राइट दैट यू नीड टू टेक, और इसको आपको एकदम सीधा फॉलो करना है, जहां तक आपको बोर्ड ना दिखे तो यू हैव टू टर्न राइट फॉर जोगमाया। रोड से बहुत ही सुंदर है, इनटू द लैप ऑफ नेचर, दीज आर प्लांटेड ट्रीज, यहां पे आई एम नॉट श्योर बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ है, यहां पर एक बोर्ड हुआ करता था, दिस इज द रूट टू जोगमाया, वी हैव रीच्ड जोगमाया, दिस इज द प्लेस। एज यू कैन से अभी से लोग आना स्टार्ट हो गया है, दिस इज एन आइडियल प्लेस फॉर पिकनिक, आप पिकनिक के लिए आ सकते हो, अभी तो क्राउड बहुत ही कम है एंड देयर इज अ रिसोर्ट एज वेल, यहाँ पे आके आप रह भी सकते हो इफ यू वॉन्ट टू कम हियर एंड स्टे। यहाँ से बोटिंग भी होता है, अभी शायद बंद है, दिस इज द प्लेस जहाँ से बोटिंग होता है।
और ये रिसोर्ट है। आई एम नॉट श्योर द नेम ऑफ द रिसोर्ट बिकॉज वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत दुकान भी है जो पहले नहीं हुआ करता था। और इफ़ यू गो राइट, यहाँ से अगर आप राइट जाते हो इस जंगल का बीच में से, देयर आर दिस पिकनिक स्पॉट्स, बहुत अच्छा पिकनिक करने का जगह है इसके अंदर, ये सीधा अंदर जाके। आई एम नॉट टेकिंग यू देयर राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट द रोड कंडीशंस ऑन दिस बीइंग अ स्पोर्ट्स बाइक, दिक्कत हो सकता है। सो ये एक 360 व्यू है, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ 360 व्यू ऑफ द प्लेस। माय फ्यूरी, वो जो साइड है दैट एंड, वहाँ पे पिकनिक होता है, फैमिली पिकनिक बेसिकली। और इस साइड में भी पिकनिक होता है, आई विल बी शोइंग यू द रूट इन सम टाइम। दिस इज जोगमाया। दिस इज जोगमाया और यही वाला रूट में मैं आपको अंदर जाके दिखाया था। और ये बहुत ही सुंदर जगह है, अगर आप आ सकते हो, ये पूरा ओपन है एंड इट इज़ लेस एक्सप्लोर्ड बाई पीपल ओवर हियर राइट नाउ। अभी भी ये जगह को ज़्यादा लोगों ने जाना नहीं है एंड ज़्यादा लोग आते नहीं हैं यहाँ पे। सो अभी तक यू कैन एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। पर कमिंग डेज में जैसे ही ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो हो सकता है ये जगह भी ज़्यादा पॉपुलेट हो जाए, ये सब जगह पे और रिसॉर्ट्स बन जाए और लोग आने लगे तो और गंदा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज, बहुत सुंदर जगह है, प्लीज़ डू नॉट लिटर दिस प्लेस, इसको गंदा मत करिए। आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी पैकेट फूड हो या फिर चिप्स हो या फिर वाटर बॉटल्स व्हाटसोएवर, आप अपने पास रखो, जहाँ पर आपको डस्टबिन मिले वहाँ पर आप डंप करो। ये सुंदर जगह को प्लीज़ ख़राब ना कीजिए, आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। और बाकी कहीं से भी लोग आता है तो वो आके ये ना कह सके कि ये बहुत ही गंदा जगह है। और दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 54 किलोमीटर्स मेरे घर से, विच टुक मी अराउंड 1.5 आवर्स, नॉट 1.5 आवर्स टू बी एग्जैक्ट, इट्स लाइक 1 आवर 15 मिनट्स। एंड आप प्लीज़ मेक श्योर टू विजिट दिस प्लेस इन ओनली इन विंटर्स, तब आपको अच्छा लगेगा। जैसे आपने देखा कि दिस इज़ नवंबर, द एंड ऑफ नवंबर, समवट द एंड ऑफ नवंबर, यहाँ पर और भी लोग आने लगे और बहुत सारे लोग आके यहाँ पर पिकनिक कर रहे हैं, तो आप भी आकर ऐसे इस जगह पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ये था जोगमाया फॉर यू एंड आई एम डन फॉर टुडे, आई एम हेडिंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम रूट जिससे मैं आया हूँ। सो अगेन नया कुछ है नहीं आपको दिखाने को। एंड इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, अगेन अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मैं बहुत ही नया हूँ इस चैनल में, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियोस को अच्छा बनाने के लिए। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, योर फ्रेंडली राइडर। मुझे भी अच्छा लगता है एंड नए कंटेंट्स, नए वीडियोस, नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए भी और इंकरेजमेंट होता है। सो प्लीज़ सपोर्ट, आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। And thank you once again for being with me, watching this video and sharing your love. Keep loving, keep supporting. This is your friendly rider Abhishek Chaudhary signing off from this video. Bye bye, take care and always wear a helmet when you ride. Thank you.